हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी 2019 काउंसलिंग से रिलेटेड एक नई अपडेट के बारे में। राजस्थान के रिजल्ट में क्यों देरी की जा रही है फ्रेंड्स, और क्यों कर्नाटक सेकंड राउंड की कट ऑफ हाई रही है, और कितनी कट ऑफ रही है, और राजस्थान की कट ऑफ क्या रहने वाली है अपकमिंग, इस सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जैसे भी कोई नई वीडियो डालें तो हमारे पास आपके पास अपडेट आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कर्नाटक सेकंड राउंड की कट ऑफ कितनी रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, और उतनी ही आपकी कट ऑफ गई है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मैंने आपको बताया था कि 8 लाख जिसकी फीस है जिन कॉलेज की, उनकी जो कट ऑफ है वो 560 के राउंड रहेगी, और ये कट ऑफ आपकी रही है 554 अंक के ऊपर। मैंने 560 बताई थी तो एग्जैक्ट वही गई है। और जिन कॉलेज की कट ऑफ जो है 15 लाख प्लस है फ्रेंड्स, उसकी कट ऑफ मैंने आपको बताई थी 460 के राउंड, लेकिन वो कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम गई है, 450 के राउंड गई है। तो फ्रेंड्स, 450 के राउंड 15 लाख प्लस और 8 लाख प्लस की कट ऑफ 560 के राउंड गई है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, राजस्थान के रिजल्ट में देरी क्यों की जा रही है। तो इसके लिए राजस्थान नीट बोर्ड ने जो है एक स्पेशल नोटिस डाला है, उसके अंदर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एज पर द नोटिस इशूड बाय मेडिकल काउंसलिंग कमेटी रिगार्डिंग कैंडिडेट हु हैव जॉइंड इन राउंड फर्स्ट और राउंड टू इन ऑल इंडिया नीट यूजी काउंसलिंग 2019 एंड इन कंप्लेंस टू द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट इन WB। तो फ्रेंड्स, इसको मैं कंप्लीट आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि रिजल्ट के अंदर देरी इसलिए की जा रही है क्योंकि राउंड वन और राउंड टू के अंदर जिन कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था वो एलिजिबल थे या नहीं, उसमें से कुछ स्टूडेंट जो है एलिजिबल नहीं थे, उनको जो है बाहर निकालने की प्रक्रिया पहले की जा रही है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कारण है राजस्थान के अंदर रिजल्ट देरी से आना। और फ्रेंड्स, बात ये भी चल रही है कि नीट ट्वाइस इन ए ईयर की बात चल रही है, तो नीट ट्वाइस इन ए ईयर जल्द ही आपका करवा दिया जाएगा, ये बात चल रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।